हरी थी मन भरी थी, कई लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला और खड़ी थी। बोलो क्या? हाँ, भुट्टा। दोस्तों, बरसात का मौसम, टप टप करता पानी, टिप टिप बरसा पानी, सॉरी, और उस मौसम में साथ में भुट्टा हो जाए, चाहे वो भुना हो चाहे उबला हो। तो दोस्तों, ये भुट्टा है, इसको मैं अब छील के, इसको मैं अभी तो बॉईल करने जा रहा हूँ, और एक भुट्टे को मैं भून के भी खा जाऊँगा। तो भून के खाने का प्रोसेस सिंपल है, हम गैस, घर पे गैस पे भून लेते हैं, परंतु कोशिश हो तो कच्चा कोयला मिल जाए तो आप उसके ऊपर भूनिए, उसका जो स्मोक है उसकी तो बात ही कुछ और है। और बाकी तो नमक और चाट मसाला और काला नमक, इनके मिश्रण से जो इसका स्वाद बनता है, और साथ में सामने बारिश, तो मज़ा ही आ जाता है। हाँ, एक छोटी सी टिप दोस्तों, जैसा कि हम अपने घर में सुनते आए हैं, कभी भी आप भुट्टा खाते हैं तो भुट्टा खाने के बाद में उसके ऊपर में तुरंत कभी भी पानी मत पीजिए, क्योंकि ये पेट को दर्द कर सकता है। ऐसा हम सुनते सुनते बड़े हुए हैं। आप बताइएगा, आपके घर में, आपके घर के बुजुर्ग या किसी से आपने ऐसा कभी कुछ सुना है तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। तो दोस्तों, बस इनको मैं छील के मिलता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, ये भुट्टे मैंने छील लिए हैं और 1/2 कर लिए हैं। अब इनको मैं हल्के से नमक वाले पानी में उबलने के लिए डाल दूँगा। पानी में थोड़ा सा ज़्यादा लूँगा, क्योंकि ये थोड़ा उबलने में टाइम लेते हैं। कुकर में उबालेंगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, पतीले में उबालेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बस अब इनको कुकर में डालना है, और ये गए मेरे सारे के सारे कॉर्न कुकर में, और अब इनको बस बॉईल करने डालना है। थोड़ा सा पानी और डालूँगा मैं इसमें, और उसके बाद में इसमें हल्का सा नमक डालना इसलिए दोस्तों, ताकि जब भुट्टे उबलें तो ये भी नमक को एब्जॉर्ब कर जाएं। तो बस इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डालना है, और इसको बस कुकर को बंद करना है और सीटी देनी है। तो लीजिए दोस्तों, भुट्टे अपने कुकर में चढ़ के पकने के लिए शुरू हो गए हैं। बस इसको मैं 8 से 10 सीटी दूंगा, ताकि ये अच्छे से गल जाएँ, और फिर इनको इन्हीं की हीट में छोड़ दूंगा ठंडा होने के लिए। जब कुकर अपना सारा प्रेशर ख़त्म कर देगा तब मैं इनको खोल के निकाल लूँगा। तो बस मिलता हूँ जैसे ये कुकर में अपना काम पूरा, कुकर अपना पूरा काम जब कर देता है। तो लीजिए दोस्तों, ये मैंने 10 सीटी दी थी, और देखिए कितना पानी कम रह गया, इसको ओवर पानी किया था, और ये पानी कितना सा रह गया। बस अब इनको निकाल लेना है, और चाहिए तो गर्मा गर्म खाइए, चाहिए तो जब मर्जी खाइए दोस्तों। बस इस तरह से निकाल लेना है, और एक छोटी सी टिप मैं बस अभी शेयर करता हूँ आपके साथ में इनको निकाल के। तो दोस्तों, ये मेरे कॉर्न मैंने इनको निकाल लिया है, पर अब ये जो पानी था इसको भी मैं इस पे डाल दूँगा, और इसी पानी में इनको रखूँगा जब तक खाना होगा, और बाद में इस पानी को भी मैं यूज़ कर जाऊँगा, क्योंकि ये एक तरह का ये स्टॉक बन चुका है, ये भुट्टे का स्टॉक बन चुका है स्वीट कॉर्न का। तो अगर मेरे को अभी स्वीट कॉर्न सूप बनाना होगा तो मैं इसी पानी को यूज़ कर जाऊँगा, तो नेचुरली उस सूप का फ्लेवर ऑटोमेटिकली स्वीट कॉर्न सूप के फ्लेवर से 100% to 100% मैच तो करेगा ही करेगा, प्लस उसका जो अरोमा है वो आपको तो क्या पड़ोसियों तक को परेशान कर देगा। तो बस अब ये मैं इनको ऐसे ही रख दूँगा। इसका एक कारण और है दोस्तों, अगर हम इसको वैसे बाहर निकाल देंगे तो ये जो मकई के दाने हैं ये थोड़ा थोड़ा हार्ड होना शुरू हो जाते हैं, पानी में रहेंगे तो ये सोख भी रहेंगे, और इसका जो ब्राइम है वो भी इसमें रस्ता रहेगा जिसमें मैंने नमक डाला था। तो दोस्तों, इसको खाने के लिए आप कॉर्न ऑन द कॉब के नाम से तो ये मशहूर है ही है, अगर हम इसको फैंसी नाम देते हो, अदरवाइज आप इस पर मक्खन डाल के खाइए, धनिया पुदीने की चटनी डाल के खाइए, आप इसके ऊपर में तीखी राम लड्डू की चटनी बनाइए धनिया पुदीने के साथ में मूली के पत्ते मिला के, और उसी के अंदर में अगर आप इसको डुबो दें, और उसके बाद में जो इसका आएगा स्वाद वो बयान से बाहर है। ट्राई करके देखिएगा, मैं आपके साथ ये सब प्रोसेस भी शेयर करूँगा,
मक्खन के साथ में, चटनी के साथ में, केचप के साथ में और धनिया पुदीने मूली के पत्तों वाली चटनी के साथ में। तो बस जैसे ही मैं उस प्रोसेस तक पहुंचता हूं, मैं आपसे मिलता हूं। कॉर्न ऑन द कॉब। तो लीजिए दोस्तों, ये मेरा भुट्टा अब पेट में जाने के लिए तैयार। एक तरफ मैंने ये तीखी चिली सॉस लगाई है, एक पे मैंने बटर रखा है और एक पे मैंने अपनी प्याज लहसुन की चटनी लगाई है। बस इसको हल्का सा माइक्रो मारिए, ज़्यादा नहीं, 10 सेकंड के लिए, और आप इसको एंजॉय कीजिए। मैं तो इस तरीके से खाता हूँ, आप बताइए, आप अब जैसे वो भुट्टा उबालते हो तो आप कैसे खाते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। शेफ राजेश आपसे कल मिलेगा नए प्रोसेस, नए वीडियो और नए मेथड के साथ में, अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते हुए। एंड दोस्तों, बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड ऑल्सो प्रेस द लाइक बटन एंड बेल आइकन, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको साथ के साथ मिलता रहे। बस लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर लव एंड Have a very nice day. Signing off, Chef Rajesh from Desi Chef Little Kitchen. Say bye.